मुंबई इंडियंस के खिलाफ बहुत बड़ा स्कोर ना होने के बावजूद बैंगलोर ने शानदार वापसी की और मैच अपने नाम किया। बैंगलोर ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पे 167 रन बनाए, जवाब में मुंबई 7 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। बैंगलोर ने 14 रन से मैच जीत लिया। इस जीत के बाद बैंगलोर अब अंक तालिका में 3 जीत के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि मुंबई 7वें पर खिसक गया। बैंगलोर के गेंदबाजों का प्रदर्शन देखिए। बैंगलोर के लिए टीम साउदी ने 25 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि उमेश यादव ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने भी 28 रन देकर 2 विकेट लिए। मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या ने 42 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के के साथ 50 रन बनाए। अब बात बैंगलोर के बल्लेबाजों की करते हैं। विराट ने 26 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के के साथ 32 रन बनाए, जबकि मनन वोरा ने 31 गेंद पर 45 रन बनाए और मैकलम ने 25 गेंद पर 47 रन बनाए।